आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। सुबह के 10:30 या 11 बज गए थे। आज मैं लेट ही आ पाई थी छत पे पानी देने के लिए पेड़ पौधों को, लेकिन अगर मैं ना पेड़ पौधों में पानी नहीं डालती हूँ तो मेरे ना मन को चैन नहीं आता है, क्योंकि अभी अभी मैंने पेड़ लगाए हैं और मुझे इनके पास बैठना और इनको देखना बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। तो कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे भी कर लीजिए कीजिए दिन में जिनसे कि आपको सुकून मिलता है। मुझे इसी काम में बहुत सुकून मिलता है। और आज दिन था शुक्रवार का और आज थी माही की पेरेंट्स मीटिंग। पहले सुबह उठ के ना 8:30 बजे ही मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई। उसके बाद सब्जी लेने के लिए हम लोग मार्केट चले गए थे। फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद ही मैं छत पे जा पाई थी अपने पेड़ों को पानी देने के लिए। लेकिन मैं गई ज़रूर थी, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं दूंगी ना तो अभी गर्मी बहुत तेज़ है, पेड़ ख़राब हो जाएंगे। और आपने देखा था, मैं अपनी चाची के घर से ना ये वाला एक पॉट लेके आई थी। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो पहले सोचा इसको ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और देखिए, इसको ना मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर दिया था। इसको ना अब मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस पे ना जो मुझे कलाकारी करनी है वो गीले मटके पे नहीं हो पाएगी। इसको मैं धूप में सूखने के लिए रख दूँगी और जो मेरे बाकी के काम रह गए हैं उनको कर लूँगी अंदर जाकर। तो देखिए, हम फिर से किचन में आ गए थे और किचन को ना साफ़ करना था। किचन साफ़ कर दिया था मैंने पूरा ही और हमारा खाना हो गया था। बर्तन वगैरह रह गए थे उनको भी साफ़ कर रही थी। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। घर को ना अच्छे से मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि स्कूल भी जाना था और सब्जी लेने भी जाना था, फिर खाना भी बनाना था, अपने पेड़ पौधे भी देखने थे और मेरा ना दोपहर का जो है सारा काम हो गया था। मेरी जो पुरानी मसालादानी थी उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था, यह भी ना कभी काम में आई जाएगी। और इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया। आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो गया था। आई ना, मैंने मंदिर भी साफ़ किया था, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। और मंदिर में जो भी कपड़े थे उनको भी मैंने अच्छे से धो के साफ करके रख दिया था। यहाँ पर देखिए, मैं जो मसाला दानी लाई थी आपने देखी, आज उसमें भी ना मैंने सारे मसाले भर दिए थे। मुझे बहुत शौक हो रहा था इसमें मसाले रखने का। और इसके अंदर ना जो नमक वाली डिब्बी है आप देख सकते हैं, उसमें ना मैंने एक प्लास्टिक की डिब्बी रखी है, क्योंकि स्टील में अगर आप कभी भी नमक रखते हैं तो जंग लग जाती है। आप इस तरीके से एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख के और नमक रखिए, वो कभी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा ना मटका था वो सूख गया था और मेरे और भी बाकी के काम हो गए थे। मैंने ना माही से 2 एक्रेलिक कलर की डिब्बी मंगवाई थी। और यहाँ पर ना मैंने पहले ब्लैक कलर लिया था और एक ना स्पंज लिया था। क्या अगर हम ब्रश से करते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्पंज से ना इस तरीके से टैप टैप करके अगर आप कलर करते हैं किसी भी चीज़ पर तो अच्छे से हो जाती है। और देखिए, मैं यहाँ पर ना कलर कर रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने इस पे एक कोट कर दिया था। और अब इसको ना हम सूखने के लिए रख देंगे। और हाथ देखिए मेरे गंदे हो गए थे। और मान्या की डिमांड चल रही थी मम्मी अप्पे बना दो, तो मैं यहाँ ना किचन में आ गई थी और मैंने अप्पे का घोल जो है वो तैयार कर लिया था। घोल तो माँ ही ने ही बना दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैं उसको फेंट रही थी और थोड़ा सा उसको पतला कर रही थी, क्योंकि अप्पे के लिए ना ज़्यादा गाढ़े घोल की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ देखिए, अप्पे के लिए हमने ना बघार रखा था और मैंने उसमें जैसे ही कड़ी पत्ता डाला तो आग लग गई और मैं तो एकदम से ना डर गई थी, लेकिन जल्दी से गैस बंद किया और अप्पे बनाने लगी थी। यहाँ पर देखिए मेरे अप्पे बन रहे हैं। दोपहर में ना बच्चों का कुछ ना कुछ खाने का ऐसा मन हो ही जाता है, मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन वो मानती नहीं है। और देखिए, उसकी प्लेट लग गई थी
वो और उसके पापा दोनों ही ना यहाँ पर खा रहे थे, और मैं देखने के लिए आई थी। देखिए दोनों साथ में बातें कर रहे हैं और अप्पे भी खा रहे हैं। यहाँ देखिए पास में ही ना मेरा जो पॉट था वो भी सूख गया था, उस पे एक ही कोट हुआ था अभी तो। और मैं फिर से ना किचन में जा रही थी, जो बाकी का बैटर बचा है उसके भी अप्पे बनाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। तो हमारे अप्पे हो गए थे और शाम का टाइम था, शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। आज हस्बैंड जी ने बोला चलो तुम्हें कॉलोनी में घुमा के लाते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं वो बहुत घूमते हैं, उन्हें आदत ज़्यादा है घूमने की, वॉक बहुत करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं, तो हम दोनों ही आए थे यहाँ पर घूमने के लिए। और देखिए वो तो ना घूमने लगे थे, लेकिन मुझे जो पार्लर वाली भाभी हैं वो मिल गई, उनने बुला लिया और कहा भाभी आ जाओ बैठ जाओ, तो मैं मना नहीं कर पाई और मैं बैठ गई थी। हस्बैंड जी घूम ही रहे थे। और हम जब घर वापस आए तो 7:30 बज गए थे, आकर ना दिया बत्ती वगैरह की, और हस्बैंड जी ना नीचे ही बैठ गए थे। लेकिन मैंने आकर ना इस मटके को सजाना फिर से चालू कर दिया था। और देखिए अब मैंने ना गोल्डन कलर लिया है, और उस गोल्डन कलर को बस हमने जो इस पे डिज़ाइन बनी है उसके ऊपर ना इस तरीके से धीरे धीरे से टैप करना है। इससे क्या है जो डिज़ाइन है ना वो उभरा हुआ आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग ना लाइक नहीं करते हैं, देखते तो हैं लेकिन लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर मेरे चैनल पर आप ना पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं ना आपको भी इसी तरीके से बहुत सारे घर को सजाने के लिए सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनाकर दिखाती रहूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखिए आपको ना ये मटकी कैसी लग रही है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि इस कलर को ना सूखना भी ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ना मैंने देखिए पूरे मटके पर इस कलर को कर दिया है, और यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात भर में सूखने के बाद देखिए इस तरीके से लग रहा है। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और इसमें हम कुछ भी सजा सकते हैं, वो मैं आपको जो अगला मेरा वीडियो आएगा उसमें सजा के दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी ना बोर हो जाएंगे मेरी बातें सुनते सुनते। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम सीताराम। और रात के 10:30 बज चुके थे मुझे ना इसको कंप्लीट करते करते, लेकिन मैंने इसको कर ही दिया, क्योंकि मैं जब कोई काम करती हूँ ना मैं समय नहीं देखती हूँ।